हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धोबीघाट के कोलीवास में बिजली की तारों पर झूलती मौत, बिजली का पोल गिरने की कगार पर क्षेत्रवासियों की फरियाद रही अनसुनी। धोबीघाट के कोलीवास में बिजली के झूलती तार हादसे का पर्याय बने हुए हैं। राह चलते व्यक्ति के हाथ ऊपर करते ही हादसा होने की संभावना बनी हुई है। वहीं बिजली का पोल भी गिरने के कगार पर है। क्षेत्रवासियों की ओर से ढीले बिजली की तारों को कसने व बिजली का पोल बदलने की मांग की गई, लेकिन उनकी फरियाद अनसुनी रही। धोबीघाट के कोलीवास के घनी रहवासी बस्ती बिजली के ढीले झूलते बिजली की तार हादसे का कारक बने हुए हैं। राह चलते किसी व्यक्ति के हाथ ऊपर करते ही उसके तारों के संपर्क में आने का खतरा बना हुआ है। झूलते बिजली के तारों के नीचे बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, वहीं लोगों की आवाजाही बनी रहती है, वाहनों का भी आना जाना लगा रहता है। क्षेत्र में बिजली का पोल भी गिरने के कगार पर है। क्षेत्रवासियों की माने तो इस बारे में कई बार डिस्कॉम अधिकारी को अवगत कराया गया, बिजली के ढीले तारों को कसने की मांग की गई, बिजली का पोल बदलने गुहार लगाई गई, लेकिन उन्हें आश्वासन की पुड़िया थमा दी गई। फिलहाल हादसे के बाद जागने वाले डिस्कॉम को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। जागो टीवी के संवाददाता से धोबीघाट कोलीवास के क्षेत्रवासी कैलाश रारिया, इन्होंने ये कहा। तार लाइट के बहुत नीचे है, बच्चे खेलते रहते हैं, हानि होने का नुकसान है, करंट आ जावे कुछ भी हो सकता है, और काफी नीचे खंबा है, ये बरसात का समय है और एक पोल बिल्कुल नीचे है जो गिरने की स्थिति में है, भाई जान आने का नुकसान हो सकता है। वहाँ कॉलोनी लंबी चौड़ी है, आना जाना है, मेन रोड है हमारे यहाँ पे, तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। आपने कई डिस्कॉम अधिकारी को बताया गया कि ऐसा वैसे डिस्कॉम अधिकारी बताया था ना आपने? हाँ, लाइट वाले विभाग में हमने अप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, काफ़ी समय से हो रहा है ये, और कृपया करके ये थोड़ा दुरुस्त करावे काम, आने जाने वालों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।